नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के 9 दिन के व्रत में सुनी जाने वाली प्रथम कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार से बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत पूजन करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वो सांप बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा, तब दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना आवश्यक है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलता हुआ गया, तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, तो दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उधर दोपहर हो गई, पर राजकुमार के न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार की तलाश के बाद सभी लोग निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए एक कंबल में ढककर महल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, अरे माई, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल सकता है। यह सुनकर सिपाहियों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौके में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। परंतु छोटी रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया और उनसे कहने लगी, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपाकर क्यों रखा है? तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी समय रुक गई और उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई थी कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने के लिए राजकुमार को दिए, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा करी। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनते ही छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देके की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी वो मैं आपकी अवश्य करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा भाव से मेरा ध्यान स्मरण आदि करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और उपटन से लेकर आभूषण श्रृंगार का सामान आदि देकर यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया
और दक्षिणा में गहने आदि देकर उन्हें विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का 9 दिनों तक डोरा लेंगे और 10वें दिन उस डोरे का विसर्जन करेंगे। दोस्तों, ये कहानी दशा माता के व्रत के पहले दिन और आखिरी दिन सुनी जाती है। जय दशा माता।